Bing Jane. बेंजीन बेंजीन की तरह ही होता है बेटा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड पाया जाता है। बेंजीन में जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन में ओल्ड कार्बन एटम्स sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं, तुम्हें पता है। बट जो बेंजीन होता है इसमें दो कार्बन एटम sp में पाए जाते हैं और अदर जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ये sp2, ये sp2, 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 ये sp और ये sp। देखो ओल्ड कार्बन एटम्स sp2 में प्रेजेंट होते हैं बट कभी कभी समटाइम्स sp में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जो पाई बॉन्ड बनता है ये sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, जैसे हम समझ सकते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन है, बेंजीन में ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम और ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम दोनों की ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग से एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। sp2 ओवरलैपिंग मतलब sp2 अतिव्यापन, जिससे ये बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो फीचर है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है हकल का रूल। हकल रूल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो हकल रूल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब बेटा अपन पहले देखेंगे हकल रूल क्या होता है, तो पहले अपन हकल रूल्स को समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो हकल्स रूल। ये हकल रूल क्या होता है पहले अपन समझते हैं। देखो वे कंपाउंड्स जिनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोज कंपाउंड्स विच हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सिस्टम विच आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब वे यौगिक जिनकी वलय में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वे हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। देखो साहब यहां पर n बराबर बेटा इंटीजर संख्या है, इंटीजर नंबर्स हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 आदि आदि। ओके, अगर अपन इस रूल में n की वैल्यू में 0 रख दो तो देखो 4 × 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हुए अपन को, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4n प्लस 2 पाई मतलब 4 × 1 प्लस 2 पाई बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर n बराबर अपन 2 रख दें तो कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम निकाल लेना ऐसे कैसे, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यौगिक या कंपाउंड्स एरोमेटिक बिहेवियर शो करता जाएगा। अगर n बराबर 3 रख दे अपन तो कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर n बराबर 4 रख दे अपन तो कितना हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस वे कंपाउंड जो अपनी वलय में
या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखे हैं, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखे हैं, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, वे सभी कंपाउंड्स एरोमेटिक बिहेवियर शो करेंगे। इट मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, कई बार नीट में भी इसको पूछा गया है और जेईई में भी इसको पूछा गया है। या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के फीचर से पूछ लेता है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन को पूछ लेता है, या रूल्स को पूछ लेता है कि कौन कौन से कंपाउंड, चार कंपाउंड्स दे देता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हकर रूल को फॉलो करता है या एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है। तो ये है बेटा हकर रूल्स। देखो नेक्स्ट इनकी पहचान है, नेक्स्ट फीचर है एरोमेटिक कंपाउंड्स का कि अगर इन कंपाउंड्स को जलाया जाए तो ये ब्लैक सूटी के साथ में जलते हैं, मतलब ब्लैक कलर की ज्वाला के साथ जलते हैं ये कंपाउंड्स। अपन लेबोरेटरी में भी इसे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इनको जलाने पर धूम्र युक्त ज्वाला के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स जलते हैं। ओके नेक्स्ट लेते हैं अपन एरोमेटिसिटी ऑर्डर। देखो इनमें से सभी में से क्वेश्चन आ चुके हैं, एरोमेटिसिटी ऑर्डर देखो बेटा, एरोमेटिसिटी निकालने के लिए एक नियम है। अगर पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज होता जाता है, मतलब बहुचक्रीयकरण बढ़ता जाता है, तो एरोमेटिकता का मान घटता जाता है। इफ पॉलीसाइक्लाइजेशन increases, then aromatic character decreases। यदि किसी कंपाउंड में पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ता है, दो या तीन से अधिक कंपाउंड्स दे रखे हो अपन को, और यदि पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ता है तो एरोमेटिक कैरेक्टर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट है बेंजीन, सेकंड है अपने नेप्थेलीन, और थर्ड है अपने एंथ्रासीन। तो बेटा देखो इसमें कितनी रिंग है, वन रिंग है, नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी रिंग है इसमें, वन, इसमें टू रिंग है, और इसमें थ्री रिंग है। तो पॉलीसाइक्लाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें है, थर्ड वाले में। तो सबसे ज्यादा पॉलीसाइक्लाइजेशन, मतलब जिन यौगिकों में वलयों की संख्या ज्यादा होगी उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम होंगे। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें होंगे, वन में। देखो पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज, मतलब चक्रीकरण का मान बढ़ेगा, चक्रीकरण सबसे ज्यादा किसमें, थर्ड में। तो एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम किसमें होगा, थर्ड में। तो इसके अनुसार एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होंगे, देखो बेंजीन सबसे अधिक एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें होंगे, वन मतलब बेंजीन, उसके पश्चात दो मतलब नेप्थेलीन, उसके पश्चात थर्ड मतलब एंथ्रासीन। तो पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज होने पर एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। देखो बेटा एक नॉलेज और दे देता हूं, जो अपन ने चर्चा की थी डायमैग्नेटिक रिंग करंट की। इन कंपाउंड्स में ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड पोजीशन में पाए जाते हैं, और तुम्हें पता है जिन कंपाउंड्स में पेयर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो जनरली डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। जैसे अपन बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन का एमओटी बनाता हूं मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। देखो एक लेक्चर के अंदर या एक वीडियो लेक्चर के अंदर ये अपन का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम तीन वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है इसके अंदर। तो शांति से सुनते चलिए और क्वेश्चन देखते चलिए। एमओटी, एमओटी की चर्चा तुमने केमिकल बॉन्डिंग में भी की होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी ऑफ बेंजीन। देखो बेटा ये बेंजीन है, तुम्हें पता है बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो दो
चार दो छह नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिक्स. ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिक्स. अब ये हेकल के नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है. तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? छह. तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा उसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? सिक्स. देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबने पढ़ रखी है. देखो ये तो कहलाता है बेटा होमो, इसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होते हैं अपने लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं अपन बेंजीन का. ये बेंजीन न्यूक्लियस है, तो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन. तो तुम्हें पता है पहले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसमें फिलअप होंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स. टू टू फोर और टू सिक्स. अब देखो इस डायग्राम को देखने पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं है ना. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो. देन वो कंपाउंड क्या होगा? डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. तो ये कंपाउंड क्या होगा? डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करेंगे. डाया मैग्नेटी रिंग करंट शो. ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है. तो किसी भी जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे. सारे इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन में पाए जाएंगे? पेड पोजीशन में. और पेड पोजीशन में पाए जाएंगे तो कौन सा भी है शो करेंगे? डायमैग्नेटिक रिंग करंट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स. तुम्हें पता है जनरली कंपाउंड्स बेटा थ्री टाइप्स के. ए में अपन ले लेते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स. फर्स्ट है जो, सेकंड है वो लेते हैं अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. और जो थर्ड है उसमें लेते हैं अपन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, एरोमेटिक इनका इंग्लिश और हिंदी में यही नाम होता है. हिंदी में भी एरोमेटिक और इंग्लिश में भी एरोमेटिक. एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, अब देखो अपन कोई भी तीन कंपाउंड्स दे दे मान लो, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको? कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है अथवा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? तो देखो पहले अपन देखते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स की शॉर्टली मैं फीचर्स लिखता हूँ. अब ये कंपाउंड्स सारे क्या होंगे? साइक्लिक होंगे. कौन से कंपाउंड होंगे बेटा? साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब समझते हो, चक्रीय यौगिक. सभी यौगिकों में क्या पाया जाएगा? चक्रीकरण पाया जाएगा, साइक्लाइजेशन पाया जाएगा. सेकंड, दीज कंपाउंड्स शो कंप्लीट कॉन्जुगेशन. इन कंपाउंड्स में जो रेजोनेंस होगा वो कंप्लीट होगा. रेजोनेंस को अपन कॉन्जुगेशन कर सकते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्जुगेशन होता है वो कंप्लीट पाया जाएगा. कंप्लीट कॉन्जुगेशन. कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट.
पूर्णतया संयमन पाया जाएगा इन योगी को। थर्ड है फॉलो हकल रूल, जो हकल रूल पढ़ा था वो इसमें अप्लाई होगा। फॉलो हकल रूल, ओके। अगर ये फीचर से पाए जाएंगे, साइक्लिक होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करेगा, है ना, और हकल के रूल को फॉलो करेगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अपन अभी बहुत सारे कंपाउंड्स लिखेंगे, कौन सा एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उनकी पहचान करेंगे। अब आता है साहब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी होगी प्लेनर, ये प्लेनर भी होंगे, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा इनमें। सारे जो एटम्स है एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं अपन, प्लेनर कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी क्या होगा, फर्स्ट में ये साइक्लिक होंगे, ओके, सेकंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन सेम टू ऐसा का ऐसा ही होगा। ये हकल के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, कौन से नियम को फॉलो करेंगे, 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल। ये कंपाउंड्स किसको फॉलो करेंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं। ये तो समझ में आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इन फीचर्स को जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी पहचानेंगे अपन, हकल रूल तुमने पढ़ी लिया। अब आता है अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। जैसे ये 4n पाई, यदि अपन यहां पर ले लें n बराबर 1 2 3 एक्सेट्रा, ओके। अब देखो यदि बेटा मैं n बराबर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हैं, n बराबर 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। यदि मैं n बराबर 2 रख दूं यहां पर तो कितना हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यदि n बराबर 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। तो वे कंपाउंड्स जो अपने वले में जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आदि आदि आगे भी चलता चलेगा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले योगी क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक योगी, ओके। अब आता है साहब अपने नॉन एरोमेटिक योगी या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इनके फीचर्स देख लीजिए। फर्स्ट फीचर है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल असाइक्लिक कंपाउंड्स शो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर। वे कंपाउंड्स जिन जो असाइक्लिक होंगे, मतलब अचक्रीय होगी, ऑल असाइक्लिक कंपाउंड्स, असाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब सभी अचक्रीय यौगिक, सभी अचक्रीय यौगिक क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, इनमें कंप्लीट, इनमें sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा, sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, इन यौगिकों के वले में बेटा sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। अब तुम्हें पता है कि रिंग में sp2 कार्बन प्रेजेंट होने के साथ साथ यदि sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो कॉन्जुगेशन ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा मॉलिक्यूल में। तो थर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन एब्सेंट, इट मींस इनकंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, इनकंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, ओके। इन फीचर्स के आधार पर अपन एरोमेटिक
एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तीनों कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके हमें दो चार देखो, दो मिनट रुको, दो चार कंपाउंड्स लिखता हूं और इनको पहचान लेते अपन सिंपल सिंपल। जैसे ये अपना साइक्लोप्रोपीनिल कार्बोकेटायन, ओके साइक्लोप्रोपीनिल कार्ब एनायन, साइक्लो ब्यूटाडाइन, अदर एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, सिंपल सिंपल देख लेते हैं अपन, बेंजीन, ये एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था, ये कह रहा हूँ आप वहीं रख देना, थोड़ा गेट पे अंदर जाके रख देना। हाँ कितनी देर में पहुँच रहे हो आप वैसे? या मैं आपके घर से ही ले लूँगा क्या? हाँ ठीक है आपके घर से ही ले लूँगा, फोन कर लूँ। देखिए बेटा इस कंपाउंड को देखो, ये है अपना साइक्लोप्रोपीनिल कार्बोकेटायन या केटायन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? पाए जा रहे हैं 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी होता है इस मॉलिक्यूल में। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है और जो पॉजिटिव चार्ज है जो और कार्बन कार्बन एटम्स पर डीलोकलाइजेशन होता रहता है ना। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ने हेकल का रूल पढ़ा था, हेकल के रूल के अनुसार वे कंपाउंड जिनमें 2 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वे क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके ये क्वेश्चन कई बार नीट में जेईई में पूछे जा चुके हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू हेकल रूल ये कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए साहब, साइक्लोप्रोपीनिल कार्बेनायन कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2। एक जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक एलपी के फॉर्म में होता है सर, तो 2 और 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 4 pi इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 4n pi इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वह एंटी एरोमेटिसिटी बिहेव शो करेगा या एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये होगा अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा। देखो यहाँ ये है साइक्लोब्यूटाडाइन, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, 1,2,3,4 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं? 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। हाँ देखो यहाँ पर और क्या बना, रोटी बनी है क्या? बेंजीन में और कार्बन, चलो कोई दिक्कत नहीं, भेज दो ठीक है। क्या बना? 2,2,4,2,6 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो कौन सा बिहेवियर शो करेगा? एरोमेटिक बिहेवियर। कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है अपने CO, अपने नेक्स्ट कंपाउंड कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 2,2,4,2,6 pi इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कौन सा होगा? एरोमेटिक। ओके नेक्स्ट है, देखो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं? 2,2,4,2,6,2,8 और 8 pi इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा? एंटी एरोमेटिक। कौन सा शो करेगा? एंटी एरोमेटिक। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वह है, देखो ये कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर, इस चीज को समझ लो बस। इसको कहते हैं बेटा अपन साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। अब इसको देखने पर यह शो हो रहा है, देखो ऑल कार्बन एटम्स किस पोजीशन में? sp2 में, प्लेनर कंजुगेट प्लेनर है,
या नॉन प्लेनरी। ऑल कार्बन एटम्स sp2 में पाए जा रहे हैं, है ना। कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, साइक्लिक है, तो देखने में ऐसे लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। बट इट इज रॉन्ग, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। कौन सा होता है बेटा? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बिकॉज ये नॉन प्लेनर होता है और ट्यूब शेप्ड में पाया जाता है। जैसे इसको अच्छी तरह देख लेना, किस पोजीशन में पाया जाता है? ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर में। सो देट ये कौन सा कंपाउंड है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक होता है, ना कि एंटी एरोमेटिक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्या गलती कर देते हैं कि ये एंटी एरोमेटिसिटी शो कर देते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लिख देते हैं, जबकि होता कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। ओके ठीक है बेटा, आगे का जो प्रोसेस है अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उन एग्जांपल्स को लेंगे अपन, जो बार बार नीड हो रहा है, IIT के अंदर पूछे जा रहे हैं। ओके okay?